हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक छोड़ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे ओरम प्रोप्टेक लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो 5% इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है और जो टारगेट मैंने बताया था करीब करीब उसके आस पास पहुँच चुका है। तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, क्या करना चाहिए, पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेट न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 166.45 रुपए इसका आज का हाई है, लो की बात करें 158.45 रुपए इसका आज का लो है। तो गाइस करीब करीब 5% का इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड 52वीं हाई की बात करें 223.20 रुपए से ये इसमें डाउन ट्रेंड चला था एंड करीब करीब जो कि 150-160 रुपए तक आ चुका है। यही मैंने टारगेट बताया था, अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो गाइज मैंने बोला था कि 150 रुपए के आसपास आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ऑलरेडी जो कि करीब करीब जो कि 150 वाली रेंज में तो ऑलरेडी आ चुका है। आज इसने 158.45 रुपए तक, यहां तक इवन इसमें एक झलक देखी गई थी। एंड अगर बात करें इसकी ऑफकोर्स जो कि एक नए नाम के साथ, नई एंटिटी के साथ ये लिस्ट हुआ है, इससे पहले मजेस्को के नाम से ये मार्केट में लिस्टेड था। एंड अभी अगर मैक्सिमम की बात करें तो गाइस जो ओरम प्रोप्टेक जो कि एक नए नाम के साथ लिस्ट हुआ उसके बाद एक 52वीं हाई प्लस मैक्सिमम भी सेट किया है। एंड अगर बात करें मजेस्को की तो 1000 रुपये को क्रॉस कर चुका था शेयर प्राइस, उसके बाद एक बड़ा डिविडेंड भी दिया था जो कि 974 रुपये के आसपास का डिविडेंड, एक बड़ा डिविडेंड दिया गया था। उसके बाद शेयर प्राइस 12 रुपये के आसपास आ गया था। एंड उसके बाद अगर बात करें जो कि प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला। सबसे पहले हम इसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 4.5 लाख क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। एनएससी पे बीएससी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब करीब जो कि 90,000 क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ क्वांटिटी काफ़ी कम है मार्केट में। स्ट्रेंथ की बात करें 11 स्ट्रेंथ है, 7 वीकनेस है, 1 अपॉर्चुनिटीज है, 0 थ्रेट इसमें नजर आ रहा है। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो कि 3-4 दिन से लगातार इसमें डाउन ट्रेंड होल्डिंग हो रहा है एंड काफ़ी नीचे आ चुका है शेयर प्राइस। एंड अभी सेंटिमेंट की बात करें तो ऑफकोर्स गाइस 150 रुपये के आसपास इसमें एंट्री ले सकते हैं। इट मीन्स कि 50 रुपये वाली रेंज में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट इसके फाइनेंशियल को देखें तो काफ़ी यहाँ पर रिस्की भी है। तो गाइस सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डील भी हुई है वो भी देखेंगे। तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 1 करोड़ रेवेन्यू भी नहीं पहुंचा है। एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था कि करीब करीब इसका जो रेवेन्यू है वो 8 लाख के आसपास ही रेवेन्यू मार्केट में इवन शो किया है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइस ऑफकोर्स यहाँ पर लॉस है, 1 करोड़ का लॉस भी यहाँ पर शो किया गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस की सिचुएशन भी सेम है जो नेट प्रॉफिट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहाँ पर जो कि इवन डिविडेंड दिया गया था उस टाइम पर जो कि 36.73 रुपए जब ये अनाउंसमेंट हुई थी डिविडेंड की, उस टाइम पर नंबर ऑफ होल्डिंग थी प्रमोटर की वो ये थी। उसके बाद डाउन इसमें एकदम से डंपिंग हुई और 14.78% ही शेयर इवन मार्केट में प्रोमोटर के पास बचे थे। तो गाइस यहाँ पर डिविडेंड दिया गया था 974 रुपये। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर भी जो होल्डिंग है वो बिल्कुल सेम रही। उसके बाद धीरे धीरे होल्डिंग को इसमें इंक्रीज किया गया, नया नाम ऑफ कोर्स एंटर हुआ ओरम प्रोप्टेक, एक नए नाम के साथ अभी मार्केट में लिस्टेड है। एंड अगर बात करें FII की तो FII की होल्डिंग यहाँ पर भी डाउनफॉल देखने को मिला है 0.03% के साथ। DII की बात करें तो यहाँ पर भी इवन होल्डिंग 2 क्वार्टर से बिल्कुल स्टेबल है। एंड जो अगर बात करें सितंबर 2020 से तो यहाँ पर कंपैरिजन करें तो होल्डिंग काफ़ी 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 बहुत ज़्यादा कम हुई है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पर जो कि अपसाइड देखने को मिला है, नो डाउट कि अच्छा साइन नहीं है। जितनी पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होगी शेयर प्राइस के चांस काफ़ी हाई होते हैं कि वो एक लेवल ऑफ प्राइस तक मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग का कम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जैसे लोगों की होल्डिंग का कम होना ज़रूरी होता है। बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री ऑफ कोर्स जो कि ज़रूरी होती है किसी भी शेयर के ऊपर जाने में। सो गाइस अदर्स की बात करें
तो आदर्श की होल्डिंग बिल्कुल जीरो है। एंड अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो होल्डिंग 0.01% के साथ दो क्वार्टर से बनी हुई है। और इन इन्वेस्टर्स की बात करें तो होल्डिंग को डिक्रीज किया गया है। अब बात आती है इसकी डील की, तो गाइज ऑफकोर्स काफी सारी डील हुई है मार्केट में, जो कि इवन अगर बात करें इसकी डील की तो आप देख सकते हैं नवंबर में जो कि फरीद कजानी ने जो कि 5000 क्वांटिटी वॉल्यूम इवन बाय किया था, 18000 क्वांटिटी जो कि फरीद कजानी ने एक और 3 नवंबर को, सितंबर में भी इवन काफ़ी अच्छी का। तो गाइज ये सारी डील हुई है। एंड ऑफ कोर्स गाइज जो अभी है ये टाइम ऑलरेडी आ चुका है, धीरे धीरे इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज भी अनाउंस हुई थी, वो कल ही अनाउंसमेंट हुई है, क्या न्यूज है वो भी देखेंगे। सो गाइज एंड अगर बात करें यहाँ पर डील की तो काफ़ी सारी इनसाइडर डील भी हो रही है। SST की बात करें तो यहाँ पर भी ओरम प्लेट्स IT जो कि ऑफकोर्स एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पर एक्वायर किया गया था। बल्क डील की बात करें तो यहाँ पर जो कि 9 दिसंबर को चाणक्य इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने करीब करीब यहां पर 1.5 लाख क्वांटिटी 181 रुपए में बाय किए हैं। एंड अल्फा लियोन एंटरप्राइजेज ने भी काफ़ी अच्छा खासा यहां पर क्वांटिटी बाय किया है। इट मींस कि बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, दिसंबर में भी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो गाइस इस प्राइस लेवल पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं क्योंकि 150 रुपए की रेंज के आसपास ऑलरेडी शेयर आ चुका है। अब बात आती है इसकी ब्रेकिंग न्यूज की, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी और न्यूज थी जो कि इवन जो कि 70% इसमें काफी बड़ा जंप देखने को मिला है विद इन नवंबर, जो कि लगातार इसमें अपर सर्किट लगते लगते काफी ऊपर चला गया। एंड अगर बात करें इसके अलावा दिस जो कि प्रिंजू स्टॉक हैज डबल्ड इन्वेस्टर, क्योंकि प्रिंजू ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था, प्रिंजू वैलियत ने जो कि द फाउंडर ऑफ इक्विटी इंटेलिजेंस हैज ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टर वेल्थ इन नवंबर सो फार। सो गाइज यहां पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी ओरम प्रोपटेक में, एंड वो जो इवन का डबल के आसपास हो गई थी मिड ऑफ नवंबर। अब बात आती है इसकी न्यूज की, तो गाइज ये न्यूज है जिसकी वजह से ऑफकोर्स काफ़ी चांसेस हैं शेयर प्राइस के ऊपर जाने के। तो गाइज यहाँ पर एक मीटिंग होगी, मीटिंग शेड्यूल की गई है 17 दिसंबर को, जिस ऑफ कोर्स जिसमें इंटर आलिया टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन राइट बेसिस। सो गाइज यहां पर राइट बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके लिए एक जो कि इवन इक्विटी शेयर इश्यू किए जाएंगे, तो एक राइट इश्यू यहां पर निकाला जा रहा है। तो गाइज अब देखना बाकी ये है कि उसका बेसिस क्या होगा, कितना उसमें इवन उसमें फंड रेज कर रहा है, क्या कुछ होने वाला है। 17 तारीख को ये मीटिंग होनी है जो कि एक काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अगर बात करें ओरम प्रोपटेक को। तो गाइज इवन कंडीशन की बात करें तो गाइज इस लेवल पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं ऑफकोर्स उनको एंट्री यहां पर बनाए रखनी चाहिए। अगर उनको एवरेज करना है तो इस लेवल के आसपास थोड़ा थोड़ा करके इसको एवरेज भी कर सकते हैं। सो गाइज होल्ड करके रखें, ऑफकोर्स एक चांसेस हाई है, नो डाउट कि फाइनेंशियल कंडीशन इवन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड है, कुछ भी इवन यहां पर इवन अगर बात करें इंफोसिस की डील की, एक बड़ी न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले जो एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताई थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज ऐसी न्यूज को देखते हुए लगता है कि चांसेस काफी हाई है, फाइनेंशियल भी सुधरने वाला है, तो काफी कुछ बड़ा होने वाला है ओरम प्रोपटेक में। सो गाइज थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।